दोस्तों, आप जो ये टमाटर देख रहे हैं, इन्हें आप बड़े आसानी से कलम से भी ग्रो कर सकते हैं। तो कलम से टमाटर को कैसे ग्रो किया जाता है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, किसी भी स्टेप को मिस मत करें। आज मैं आपको टमाटर को कलम से कैसे ग्रो किया जाता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ में बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं जब आप टमाटर के पौधे को कलम से ग्रो करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, कोई भी स्टेप स्किप किए बिना। साथ में यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए समझते हैं कि टमाटर को कलम से कैसे ग्रो किया जाता है और आप कैसे बड़े आसानी से जो आपके गार्डन में किचन गार्डनिंग करते हैं, आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं जिसमें जो टमाटर लगा हुआ है, आप उसी के जैसा सेम पौधा फिर से बिना बीज के तैयार कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। और ऐसा करने पर आपको जो टमाटर है वो लगातार मिलते रहेंगे। मतलब जैसा आप सामने देख सकते हैं कि ये हमारे टमाटर ऑलरेडी फुल मैच्योर हैं, और देखिए यहाँ से हम इन्हें हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, और आप टमाटर का साइज भी देख सकते हैं कितना बड़ा हमें मिला है। और आप ऊपर तरफ देखेंगे तो हमें जो है अभी देखिए यहाँ पे छोटे टमाटर लगे हुए हैं जो मैच्योर हो रहे हैं, और इसी पौधे का हमने जो है नया पौधा भी तैयार करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, हमने इसी पौधे से जो है टमाटर की कलम लगाई हुई है, और आप देखिए इसमें जो है अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं सामने इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं, और कितने सारे फूल आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ ऊपर भी फूल आए हुए हैं और साइड में भी फूल आए हुए हैं, और ये देखिए इस तरह से ये 7 इंच के पॉट में हमने लगाया है। इसे कैसे लगाना है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसे लगाने का मेनली 2 मेथड होती हैं। एक तो आप डायरेक्ट ही सकर्स को लेकर इस तरीके से पॉट में लगा सकते हैं, और दूसरा आप सकर्स लेंगे तो मतलब जो कलम आप लेंगे टमाटर की, उसे पहले आप पानी में रख दीजिए कि किसी भी एक गिलास में पानी भरकर उसे लगभग हफ्ते 10 दिन के लिए रख दीजिए, तो उसमें क्या है रूट डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो आप सामने टमाटर देख रहे हैं, इसे हमने पानी में इसकी कलम को रखा था और इस पे रूट ग्रोथ जो है हमने की थी, उसके बाद इसे इस तरह से ग्रो बैग जो पॉट है इसमें ट्रांसफर किया था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसे हमने डायरेक्ट ही इस गमले में लगाया था, इसमें किसी भी तरह की हमने रूट ग्रोथ नहीं की थी, और इसमें सेल्फ इसी पॉट में इसकी रूट जो है डेवलप हुई हैं। और आप ये भी देख सकते हैं सामने, इसमें भी देखिए न्यू ग्रोथ चालू हो गई है, और आप इसमें भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं ये हमारी कलम है, यहाँ से हमने इसे कट किया था और नीचे से कट किया था, यहाँ से ये देखिए नया पौधा बिल्कुल तैयार है। और कलम से टमाटर लगाने का फायदा ये होता है कि जब आप टमाटर को कलम से लगाते हैं तो इसमें जो है फ्लावरिंग हार्मोन पहले से प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही पौधा थोड़ा सा मैच्योर होता है लगभग 1 महीने बाद ही इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। नॉर्मल यदि आप टमाटर का पौधा लगाएंगे तो उसमें 80 से 90 दिन लग जाते हैं फ्लावरिंग स्टार्ट होने में, और अगर आप कलम से पौधा लगाते हैं तो उसमें लगभग 30 दिन बाद ही आपको इस तरह से पौधा जैसे ही मैच्योर उसकी रूट सेट होती हैं और पौधा फ्लावरिंग करने लगता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आपको किस तरीके से टमाटर की कलम लेनी है और कैसे उसे मिट्टी में लगाना है। तो कलम लेने का, टमाटर की कलम जब हम लेंगे तो वो लेंगे टमाटर के जो सकर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो टमाटर का पौधा लगा हुआ है और इसके साइड से ये सकर्स निकला हुआ है, और आप देख सकते हैं इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो सकर्स हमेशा उसी को सिलेक्ट करें लगाने के लिए जिसमें ऑलरेडी पहले से फ्लावरिंग हो रही हो, ज़्यादा नई आपको ब्रांच नहीं लेनी है, वरना क्या होगा आपका जो टमाटर की कटिंग है वो सही से ग्रो नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, इस जो सकर है इसको नीचे से कट कर लेंगे, और साइड से हमने इसे कट कर लिया देखिए, और अब हमें ये टमाटर की ब्रांच मिल गई है जिसे हम आज लगाएंगे। आपको बताएंगे कि इसे अब हमें कैसे लगाना है। तो नीचे से आप जो इसकी दो ब्रांच जो अब हमें दिख रही हैं, हम इन्हें हटा देंगे, ये जो एक्स्ट्रा हमें दो ब्रांच दिख रही हैं हम इन्हें हटा देंगे, और इसको हम यहाँ से इसमें इस तरीके से देखिए कट लगा देंगे। ये हमें मिल गया है, इसमें से जो एक्स्ट्रा लीफ हैं आप उन्हें भी हटा दीजिए, यहाँ से हम इसे कट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से जो है इसको कट करेंगे,
इसमें हम ज्यादा पत्तियां नहीं छोड़ेंगे, और जो जितने भी फूल हैं इसके, ये जितने भी फूल हैं आप इन्हें भी हटा दीजिए, क्योंकि अभी इसमें रूट ग्रोथ होगी तो फूल मैच्योर नहीं होगा, साथ में प्लांट की एनर्जी भी लेगा। और अब देखिए ये इस तरीके से है, थोड़ी सी पत्तियां और ज्यादा हमें इसमें लग रही हैं, तो हम इन्हें भी हटा देते हैं। कम से कम पत्ती रखिएगा ताकि जो प्लांट की एनर्जी है ज्यादा वो वेस्ट ना हो। तो ये देखिए हमारी जो है कलम बनकर तैयार है, और अब हम इसे आपको बताएंगे कि आपको इसे कैसे लगाना है। देखिए इस तरीके से कुछ कलम बन जाएगी, और इसे हमने इस तरीके से कट कर लिया है और इसे अब हम लगाएंगे। तो आप चाहें तो इस कलम को क्या कर सकते हैं, अभी कुछ दिन के लिए पानी में, गिलास में पानी भरिए और उसमें रख दीजिए। हफ्ते या 10 दिन में इसमें जो है रूट ग्रोथ होने लगेगी और फिर आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों मेथड को ट्राई किया है, दोनों मेथड सेम है, इसलिए आप डायरेक्ट भी इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने रूट ग्रो करके लगाया है और ये डायरेक्ट लगाया है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बड़े अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि इसे लगाना कैसे है। दोस्तों देखिए ये हमने रूट ले ली है जो हमारे टमाटर की है, और इस तरीके से हमने 7 इंच का पॉट लिया है। ये थर्माफॉर्म पॉट होते हैं, देखिए इस तरीके से बड़े आसानी से दब जाते हैं, तो इसमें से इसको जब बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करना होता है तो वह आसान हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ा सा इस तरीके से छेद बनाएंगे और इसमें इस कलम को इतना लगा देंगे। लगभग 3 इंच आपको कलम को अंदर रखनी है, लगभग 5 से 6 इंच की जो आप कलम लेंगे उसमें से 3 इंच का हमने हिस्सा जो है इसका 2.5 से 3 इंच को अंदर दबा दिया है। और अब इसको मिट्टी में इस तरीके से दबाने के बाद हम दे देंगे इसमें पानी। तो कलम लगाने के तुरंत बाद ही आपको पानी दे देना है इसको बिल्कुल भी, ताकि कलम सूख ना पाए। और कलम को जितने जल्दी आप लगा सकें उतने जल्दी लगा दीजिए, ताकि इसमें जो है इसको ट्रांसफ़र शॉक ना लगे, मतलब कलम जो पौधे से आपने बनाई है उसको किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र शॉक ना लगे। और इसको आपको लगभग 10 दिन के लिए जो है शेडी एरिया में रखना है, इसको बिल्कुल भी धूप नहीं लगानी है। सेडी एरिया से जो छनकर धूप आती है आपको वही इसको देनी है। देखिए नीचे से पानी निकल गया है, और लगभग ये जो आप देख रहे हैं ये आपको 30 दिन बाद ऐसा रिजल्ट मिलेगा, मतलब जब आपकी कलम लगाए हुए 30 दिन हो जाएंगे। तो देखिए इस कलम में जैसे कि आप देखेंगे ये यहाँ से ब्रांच कटी हुई है, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये, और यहाँ से ये जो दो ब्रांच हैं ये हमने हटाई थी, और यहाँ से देखिए ये साइड से इसकी न्यू सूट, जैसे आप इसमें देखेंगे तो यहाँ से ये नई ब्रांच जो है, यहाँ से ये नई ब्रांच डेवलप हो रही है। और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये इसकी नई ब्रांच जो है डेवलप हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि जब आपका पौधा 1 महीने पुराना हो जाएगा और उसमें रूट डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसे किस तरीके से हम इस छोटे पॉट से निकालकर बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों ये हमने ग्रो बैग ले लिया है, लगभग 12x12 इंच का ये ग्रो बैग है, और इसमें हमने जो मिट्टी बनाई है उसमें हमने 50% नॉर्मल सॉइल और 50% जो है गाय के गोबर का इस्तेमाल किया है। इस मिट्टी में हम आज इस टमाटर के पौधे को लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से ग्रो बैग में हम केवल अभी एक पौधा लगाएंगे, तो 12 इंच या उसके आसपास के ग्रो बैग में आप टमाटर का एक पौधा जो है लगा सकते हैं। और इस तरीके से पहले हम स्पेस बना लेंगे जिसमें हम टमाटर का जो पौधा है, जिस भी हमने गमले में ग्रो किया है उसकी ही हाइट का हम इस तरीके से जो है एक स्पेस बनाएंगे। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं आज हम इस पौधे को जो है ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसको ट्रांसफ़र करने का बड़ा ही आसान तरीका होता है, इस तरीके से आपको गमले को पकड़ना है, बीच में इस तरीके से अपनी उंगलियों को फंसाना है और इसे उल्टा कर देना है, और इस तरीके से आप इसे बाहर निकालिए। और आप देख सकते हैं, आप रूट देखिए एक बार, जो हमारे टमाटर की रूट हैं वो कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छी ग्रो हुई हैं। पूरा ये सेट हो चुका है टमाटर, और रूट आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी जो है ग्रो हो चुकी हैं, और अब ये बिल्कुल फुल मैच्योर है जो हमें फ्रूटिंग जल्दी ही देने लगेगा। इसके बाद हम इसे इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जब आप इस पॉट में, जो मैंने ये पॉट आपको बताया, जब आप इस पॉट में टमाटर को या किसी भी पौधे को लगाएंगे तो इसको शिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है, किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र शॉक में पौधा नहीं जाता है, और इसे
आराम से हमने इस ग्रो बैग में इस तरीके से लगा दिया है। और अब हम इसे मिट्टी से जो है चारों तरफ से कवर कर देंगे। इस तरीके से देखिए हम इसे कवर कर देंगे, और जो भी मिट्टी हमने इसमें से निकाली थी हम उस मिट्टी को भी इसी में वापस इस तरीके से जो हमारे हाइट है ग्रो बैग की, जिसमें हमने पॉट को शिफ्ट, ये पौधे को शिफ्ट किया है, हम उसके बराबर इसमें मिट्टी डाल देंगे। और लगभग 1 से 2 इंच हमें गमले को खाली छोड़ना है, ताकि हम इसमें जो भी अब पानी डालें वो प्रॉपर तरीके से सारी मिट्टी में फैल जाए और जो है टमाटर अच्छे से ग्रो करे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी मिट्टी से जो है टमाटर को इस तरीके से कवर कर दिया है। और अब हम देंगे इसमें पानी, और इसे आपको रखना है शेडी एरिया में 5 से 7 दिन, और फिर आप इसको रख सकते हैं धूप में। स्पेशली गर्मियों के समय में टमाटर को तेज धूप से बचाना चाहिए। टमाटर को धूप पसंद होती है, 6 से 8 घंटे की धूप मिलती है तो टमाटर में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। लेकिन जब बहुत तेज़ धूप हो तो आप इसे शेडी एरिया में रखें, ताकि ये अच्छे से ग्रो करे और इसमें जो है पॉलिनेशन सही से हो, ताकि इसका जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। टमाटर को केयर को लेकर हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आपके राइट साइड में एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां क्लिक करके टमाटर को ग्रो करने या टमाटर की केयर टिप्स वहां पे समझ सकते हैं। आप उस वीडियो को जाकर देखें। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा, टमाटर को कलम से ग्रो करने की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। यदि आप टमाटर को कलम से कैसे उगाते हैं इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है जिसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये जो टमाटर हमने लगाया है इसका भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलता है। मैं गार्डन ओवरव्यू से रिलेटेड वीडियो हर हफ्ते अपडेट करता हूं, तो इनका जो अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें टेरेस एंड गार्डनिंग। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो टमाटर को बिना बीज के ग्रो कर सकें। और ये काफ़ी न्यू मेथड है और काफ़ी आराम से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। टमाटर के साथ साथ आप बैंगन को भी बड़े आसानी से इस तरीके से, देखिए बैंगन को भी आप कलम से लगा सकते हैं। बैंगन को कलम से कैसे ग्रो किया जाता है इसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आपके राइट साइड आई बटन पर एक लिंक शो हो रहा होगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।